नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है श्रेयस वर्मा। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल। यदि आपको याद हो तो पंडित बिस्मिल सेवा योजना के अंतर्गत हमने गुल्लक का निर्माण करा था और 4 मार्च को इसी वर्ष हमने उसे तोड़ा भी था। उस गुल्लक से जितना भी धन एकत्रित हुआ है उसका एक भाग हमने 3 चित्र बनवाने में लगवाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला चित्र है शहीद आजम भगत सिंह का और उनके साथ ही शिवराम हरि राजगुरु और सुखदेव थापर का, और दूसरा चित्र बनवाया गया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। इन सबके बारे में तो आपने कहीं ना कहीं अवश्य ही सुना होगा, परंतु एक तीसरा चित्र है जिसको हमने समर्पित किया है वीर केसरी चंद के नाम। अमर शहीद वीर केसरी चंद, जिनका जन्म उत्तराखंड के ही क्षेत्र जौनसा बवाल नामक एक क्षेत्र में हुआ। 1941 में इन्होंने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन करा था और हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया। इम्फाल के युद्ध में इनको बंदी बना लिया गया था और 3 मई 1945 में इनको फांसी की सजा सुना दी गई। इन तीनों ही चित्रों को हम यहाँ पर एक विद्यालय गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल शिवपुर, इन तीनों ही चित्रों को हम यहाँ इस विद्यालय में आज लगवाएंगे। परंतु एक सवाल हो सकता है कि आपके मन में हो कि एक विद्यालय में ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? और इसका जवाब इसी स्कूल के जो हेड हैं श्री वीरेंद्र वर्मा वो आपको देंगे। सर, ये जो हमारे बच्चे आप देख रहे हैं, जो आज के बच्चे हैं, कल की युवा पीढ़ी, जिनको देश को आगे ले जाना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है विद्यालय की कि बच्चों के अंदर हम राष्ट्रप्रेम की भावना को पैदा करें। और ये यही वो समय होता है जब बच्चे यहाँ संस्कार सीखते हैं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति। ये जो 3 चित्र, जो 3 फ्लैक्स हैं, हालांकि बहुत सारे शहीद हैं, लेकिन जो 3 फ्लैक्स हैं इनसे एक जरूर प्रेरणा मिलेगी, जिसमें हमारे उत्तराखंड के एक शहीद वीर केसरी चंद भी हैं, जिन पर हमारे उत्तराखंड सरकार ने शहीद दिवस पर छुट्टी भी घोषित करी है। छुट्टी का उद्देश्य भी यही है कि हम बच्चों को, हमारी आज की पीढ़ी को, इनके प्रति हम जागरूक करें। धन्यवाद। हम आपसे मुलाकात फिर से करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।